नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा साबर मंत्र का तीसरा कर्म, विद्वेषण कर्म। विद्वेषण मतलब किसी भी दो इंसानों को आपस में लड़ा देना। अगर मान लो कोई दो इंसान आपके लिए साजिश कर रहे हैं, तो वो दोनों मिलकर आपको, तो आप विद्वेषण मंत्र का प्रयोग करके उन्हीं दोनों में आप झगड़े लगा सकते हो। लेकिन वाकई में अगर आप वो गलत होंगे तो ही असर करेगा। आप ऐसे सोचोगे कि अरे मैं किसी को भी झगड़ा लगा दूं, गलत। विद्वेषण कर्म जो होता है परस्पर दो इंसानों में झगड़े पैदा करना, जैसे कि आपका पति किसी और के चक्कर में, तो आप चाहो तो उन दोनों में, ताकि वो दोनों लड़के अलग हो जाए, छोड़ के आपके पास आ जाए, या आपकी पत्नी किसी और पुरुष के चक्कर में, या ऐसा मन में शक है, तो आप ऐसा करके उनको वापस ला सकते हो। या ऐसा कोई ऐसा जरूरी है कि आप कोई आपका कहना नहीं मान रहा है, किसी और के चक्कर में पड़ गया, तो उन दो लोगों को आप विद्वेषण करके आप सामने वाले बंदे को सही रास्ते पर ला सकते हो। विद्वेषण कर्म का मतलब है एक दूसरे में नफरत पैदा करना, मतलब। लेकिन ये नहीं कि आप इसका इस्तेमाल कुछ गलत इरादे से करो। आप अगर दिल में भाव अच्छा रखोगे तो आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। विद्वेषण कर्म, अगर आपको मेरा विद्वेषण कर्म पसंद आया तो इसके मंत्रों के बारे में, इसका विधि विधान और तरीका मैं आपको आगे चल के जरूर बताऊंगा मेरे अगले वीडियो में। लेकिन जब तक के लिए आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।